हाय, मेरा नाम गगन है एंड मैं रूफटॉप फार्मिंग पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली मेरे को जो मेन मोटिवेशन मिला रूफटॉप फार्मिंग का, वो तो ऑब्वियस है कि हर आदमी चाहता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स और हाइजीनिक फूड सबको अवेलेबल हो। और जिस तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं और टेस्ट नहीं है और बीमारियां फैल रही है, तो मेन मोटिवेशन एक्चुअली हाइजीन था। हाइजीन के साथ साथ एक शौक भी था कि मेरा अपना एक छोटा फार्मलैंड हो और जो मेरे कंट्रोल में हो और जिसमें मैं डिफरेंट तरह के वैरायटीज एक्सपेरिमेंट कर सकूं और उसको बना सकूं। तो इसमें सबसे ऑब्वियस चीज़ थी कि मेरे पास लैंड होना ज़रूरी था। बट लैंड अगर मैं जयपुर से कहीं दूर लेता हूँ तो वहाँ मेरा आना जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और कुछ लैंड्स थी भी बट वहाँ पे प्रॉपर सेटअप करना थोड़ा सा टफ था। तो कुछ टाइम बाद मैंने फेसबुक किया, उसके थ्रू हमने देखा तो लिविंग ग्रीन्स करके एक कंपनी थी जो कि जयपुर बेस्ड है, उन लोगों के साथ हमने टाई अप किया। उन्होंने हमको ये पूरे कॉन्सेप्ट के लिए गाइड किया, उस गाइडेंस के साथ हमने ये सारा सेटअप यहाँ लगाया। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 12 से 15 बेड्स हैं जो कि 8x4 या 10x4 कैपेसिटी के हैं। कुछ वाटर टैंक्स हैं जिनको हमने यूटिलाइज़ किया है इस फार्मिंग में, और उसमें जो लिविंग ग्रीन्स जो हमको प्रोवाइड करता है मीडियम, जिसको वो लोग मीडियम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मीडियम है ये, बेसिकली कुछ मिक्सचर्स का बना हुआ है। तो इससे ईल्ड और मेंटेनेंस काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि हैवी सॉइल को अगर आप छत पे रखेंगे तो लोड एंड उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया, और रिजल्ट्स का जहाँ तक सवाल है तो ईल्ड इसकी जो है काफ़ी अच्छी रही। मतलब हर तरीके से हमने यहाँ पे खरबूजे से लेके टमाटर, भिंडी, तुरई, घिया, लौकी, आलू, मटर, छोलिया जिसे आप हरा चना बोलते हैं, इस तरह की कई वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे, शिमला मिर्च, काफ़ी हमने यहाँ पे ग्रो किया। और हमारा ये वेंचर ऑलमोस्ट 99% to 100% सक्सेसफुल रहा। अब इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं, जो लोग कई लोग लाइक तो करते हैं कि मैं भी ये काम करूं, और हर आदमी को शौक भी होता है कि मैं, बट इसमें इस शौक को पूरा करने के लिए मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस शौक को करने के लिए आपको खुद को भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के लिए हमारे पास लिविंग ग्रीन से हमेशा मैन पावर अवेलेबल रहती है, जिसमें से हमारे साथ एक मिस्टर धर्म सिंह चौधरी है। एंड ये सारा क्रेडिट ऑलमोस्ट सेटअप का और हमको गाइडेंस ये धर्म सिंह जी हमको प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग इनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा है, इनसे लर्न भी किया है, और उसके बेसिस पे हमने ये सारा कॉन्सेप्ट को एक अच्छा सा रूप दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सभी लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप अपनी हेल्थ देखते हैं तो उसके हिसाब से कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती है, एंड इट्स वेरी रीजनेबल। और अगर लोग मिलजुल के आपस में लगाएं तो मेरे ख्याल से और फ्रूटफुल चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।